अगर फिरदौस बर्रे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। एक बार फिर हम पहुंचे हैं जन्नत कश्मीर में और इस बार मैं आपके साथ दूधपत्री से लाइव जुड़ चुकी हूं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इस बार भी हर बार की तरह हर साल की तरह नेटवर्क नहीं है और इस बार मुझे वीडियो रिकॉर्ड ही करनी पड़ रही है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। पिछले साल आई थी तब भी नेटवर्क नहीं था, उससे पिछले साल आई थी तब भी नेटवर्क नहीं था, उससे पिछले साल आई थी तब भी नेटवर्क नहीं था। समर्स में आती हूँ तो नेटवर्क नहीं होता है, विंटर्स में आती हूँ तो नेटवर्क नहीं होता है। पर खैर चलो, आपको दिखाना तो था कि जब मैं दूधपत्री आई तो क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स हमने एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपको बता दूं कि एटीवी राइड हम ले रहे हैं, एटीवी बोलते हैं इसको, तो एटीवी राइड हम ले रहे हैं। और जब भी आप दूधपत्री आए तो आप जरूर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है ये दूधपत्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बेहद खूबसूरत है। आपको मैं यहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत व्यू है और बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। हालांकि धूप भी है थोड़ी सी, पर हर जगह पे ये जो बर्फ की सफेद चादर है बहुत एक्साइटिंग लग रहा है यहाँ पर ये राइड देना। और जब आप दूधपत्री आए तो आप जरूर एटीवी की राइड लें, बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हालांकि थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड जरूर है। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, एक और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, एटीएम की फैसिलिटी नहीं है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब नेटवर्क नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, अब एटीएम नहीं है तो पैसा निकाल के कैश भी नहीं दे सकते हैं। और अगर किसी के पास कैश नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, तो यहाँ की सर्विसेज को वो कैसे अवेल करेगा, सोचने वाली बात है। तो ये बात है कि दूधपत्री टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए कि इतनी खूबसूरत जगह है, आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स रखा हुआ है और उसके बाद आपने फैसिलिटी भी नहीं दी हुई है। मैं हर साल ये उम्मीद से आती हूँ कि इस बार हो सकता है नेटवर्क आ गया हो सकता है इस बार एटीएम वहाँ पे हो, तो हर बार ना उम्मीद होती हूँ। और हमारे जितने भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर से बाहर आते हैं या फिर लोकल्स भी आते हैं, तो उनको भी जो है उनको एटीएम प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। हम डीसी बडगाम से अपील करते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि आपके पास इतनी पोटेंशियल वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, थोड़ा डेवलपमेंट की जरूरत है, फैसिलिटीज देने की जरूरत है। सिर्फ हिंदुस्तान से ही क्यों, वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट है यहाँ पर आने चाहिए, दुनिया भर से आने चाहिए और यहाँ के लोकल्स को भी उससे फायदा हो सकता है। पर ये एडवेंचर राइड्स के दौरान जो ये मैं इशू हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आखिर में हमारी यही अपील रहेगी कि दूधपत्री जो एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मैं जाते जाते आपको ये खूबसूरत से नज़ारे दिखा दूँ यहाँ के, जो बर्फ़ की चादर से ढके हुए पहाड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत है। और उम्मीद करती हूँ जब मैं अगली बार आऊँ तो चाहे समर में चाहे विंटर में, एटलीस्ट जो नेटवर्क की प्रॉब्लम इतने सालों से है और एटीएम फैसिलिटी नहीं है या जो भी फैसिलिटीज आनी है उसे पूरा किया जाए और दुनिया भर से लोग दूधपत्री देखने के लिए आए।